हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूँ, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रटने में, उनको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। अक्सर नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्म जो है वो किस तरीके से टेस्टिस से बाहर आता है, कौन कौन से आता है, और इसके चार चार ऑप्शन होते हैं, और उस ऑप्शन को आपको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पैसेज जो है वो सही से याद होता नहीं है। तो उन सारे दिक्कतों को आज मैं आप लोग की चुटकी में हल कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे ही मेरे आने वाले लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। वीडियो के बीच बीच में आई बटन्स को जरूर क्लिक करें, क्योंकि आई बटन्स में मैं उन सारे वीडियोस के लिंक शेयर करता हूं जो वीडियोस आप लोगों से स्किप हो गया है या फिर जो मिस हो गया है, और उन वीडियोस को देखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो ट्रिक है वो है पाथवे ऑफ स्पर्म शॉर्ट ट्रिक, किस तरीके से स्पर्म जो है वो निकलता है टेस्टिस से और रिलीज होता है, इजैकुलेट होता है। तो उसके लिए सिंपली आपको याद रखना है एक वर्ड, एक वर्ड से सारे जो पैसेजेस हैं वो याद हो जाएंगे। स्टीव, STEEVE, स्टीव। S फॉर सेमिनिफेरस ट्यूबल, T फॉर रेटी टेस्टिस, E फॉर एपिडिडाइमिस, E फॉर वैसा इफरेंशिया, V फॉर वैस डिफरेंस एंड E फॉर इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, मात्र एक वर्ड में आपको ये सारे पैसेजेस याद हो जाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक, और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा। आज का जो दूसरा ट्रिक है वो है आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 3.14 से, और वहां पे मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वहां लेबल किया हुआ है कुछ नाम। तो उन सारे टर्म को याद करने के लिए एक सिंपल सा वर्ड आप लोग को याद रखना है, और वो सिंपल सा वर्ड है मैमल। लेकिन यहाँ जो मैमल वर्ड है, इस मैमल वर्ड का स्पेलिंग आपको MAMAL याद नहीं रखना है, यहाँ याद रखना है आपको MAMAL। तो मैमल वर्ड में आप इंक्लूड कर सकते हैं M फॉर मैमरी ग्लैंड, A फॉर एल्वियोलाई, M फॉर मैमरी डक्ट, A फॉर एम्प्यूला, L फॉर लैक्टिसिफेरस डक्ट। तो ये कैसा लगा आप लोगों को ट्रिक? मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का जो तीसरा ट्रिक है वो है हॉर्मोन्स से रिलेटेड, मेमोरी ग्लैंड पे कितने और कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो फंक्शन करते हैं। तो हॉर्मोन्स को याद करने के लिए भी एक सिंपल सा वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज हॉपेप, HOPEP, हॉपेप। तो H का मतलब है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, P फॉर प्रोलैक्टिन, E फॉर एस्ट्रोजन एंड P फॉर प्रोजेस्टेरॉन। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाकर उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो बच्चों, आप लोग वहां जा करके वहां से भी हर एक जो टॉपिक है उस चैप्टर से रिलेटेड उसको देख करके उसको समझ सकते हो। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी ऑन करो, और ऑन करके उसके भी वीडियोस को आप लोग देखो, बार बार देखो, ताकि आप लोग को समझ में आए। क्योंकि जब तक मैं अभी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहा हूँ तब तक तो यही सा आ रहा है, तो वहाँ भी जा करके उसे देखिए, ठीक है। इसके अलावा मैं बहुत जल्द ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन दोनों के ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स और निमोनिक्स बनाने जा रहा हूँ जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो उसे भी आप लोग देखिएगा, और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट्स का। और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। और मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।